दोस्तों समुद्र में न दिखाई देते हुए दुश्मन को चौंका देने वाली ताकत यदि कोई रखती है तो वह है सबमरीन। दोस्तों सबमरीन यानी कि पनडुब्बी के बारे में आप सभी ने सुना ही होगा, तो क्या आपको पता है कि ये पानी के अंदर कैसे काम करती है? अगर आप सबमरीन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज मोहित एंड यू आर वॉचिंग इन्फॉर्मेशन 360। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे सबमरीन के स्ट्रक्चर के बारे में, देन उसके बाद में हम बात करेंगे सबमरीन के इन्वेंशन के बारे में, एंड वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा सबमरीन के वर्क प्रोसेस के बारे में कि ये कैसे काम करती है। दोस्तों अगर बात करें सबमरीन के स्ट्रक्चर के बारे में तो सबमरीन एक कैप्सूल के आकार का पैक्ड बॉक्स होता है। सबमरीन पानी के अंदर और पानी की सतह दोनों पर तैर सकती है। इसका यूज़ खासकर फोर्स यानी मिलिट्री के द्वारा किया जाता है। दोस्तों किसी भी देश के लिए सबमरीन का यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सबमरीन के अंदर रहने वाले क्रू पानी के अंदर का कुछ भी नहीं देख सकते, क्योंकि सबमरीन में कोई भी विंडो या शीशे नहीं होते हैं जिससे वो बाहर का देख पाए। दोस्तों अब सवाल ये आता है कि अगर सबमरीन अंदर से बिल्कुल पैक होती है तो इसके अंदर रहने वाले क्रू सांस कैसे लेते हैं? वेल, सबमरीन के अंदर एक स्पेशल मशीन लगी होती है जो ओशियन वाटर से ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है। यहाँ पे वाटर से ऑक्सीजन को अलग करने के लिए एक प्रोसेस यूज किया जाता है जिसे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस की हेल्प से वाटर से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को अलग किया जाता है। आपको पता ही होगा पानी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। अगर मैं साइंटिफिक वे में कहूँ तो उसका फॉर्मूला H2O होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस की हेल्प से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को अलग किया जाता है जिससे सबमरीन के अंदर रहने वाले क्रू सांस ले पाते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबमरीन के इतिहास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि सबमरीन का इन्वेंशन कैसे हुआ, पनडुब्बी अस्तित्व में कैसे आई। विश्व की पहली पनडुब्बी एक डच वैज्ञानिक ने 1602 में बनाई थी। इसके बाद 1620 में कार्नेलियस वैन रेबल ने एक लकड़ी की पनडुब्बी बनाई जिसके ऊपर चमड़े की एक परत चढ़ाई गई थी। इसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकंड आते आते सभी कंट्रियों के द्वारा सबमरीन का यूज़ एक पावरफुल वेपन के रूप में यूज़ किया जाने लगा। पनडुब्बी को चलाने के लिए टर्बाइन मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। सबमरीन दो प्रकार की होती है, डीजल इलेक्ट्रिक एंड दूसरी होती है न्यूक्लियर पावर्ड। दोस्तों अब यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे कि सबमरीन पानी के अंदर कैसे जाती है और अगर इसे पानी से बाहर लाना होता है तो ये पानी के ऊपर कैसे आती है। दोस्तों जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, सबमरीन के अंदर तीन टैंक लगे होते हैं, फॉरवर्ड टैंक, रियर टैंक एंड बीच वाले को बोलते हैं बैलेस्ट टैंक। दोस्तों जब सबमरीन को पानी के अंदर ले जाना होता है तो उसके बीच वाले टैंक में यानी बैलेस्ट टैंक में पानी भर दिया जाता है। पानी के प्रेशर की वजह से सबमरीन पानी के अंदर चली जाती है। इस प्रकार अगर सबमरीन को पानी से बाहर सरफेस पे लेके आना होता है तो पानी को निकाल के उसमें प्रेशराइज एयर भर दी जाती है, हवा की वजह से सबमरीन पानी की सतह पर आ जाती है। दोस्तों इसके बाद यहाँ पे सवाल ये आता है कि सबमरीन पानी के अंदर कितने दिन तक रह सकती है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबमरीन दो तरह की होती है, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन एंड दूसरी होती है न्यूक्लियर पावर सबमरीन। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को 48 आवर्स के अंदर पानी से बाहर आना पड़ता है। इसका मेन रीज़न ये है कि जब डीजल इंजन को स्टार्ट किया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करता है। अगर पानी के अंदर ही इंजन को स्टार्ट किया जाए तो सबमरीन के अंदर रहने वाले क्रू मर जाएंगे। यही कारण है कि डीजल सबमरीन को 48 घंटों में बाहर आना पड़ता है। अगर बात करें न्यूक्लियर पावर सबमरीन की तो ये एक लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती है। टाइम पीरियड की बात करें तो न्यूक्लियर सबमरीन 3 से 4 महीने और 90 दिन से 120 दिन तक पानी के अंदर रह सकती है। सबमरीन में नेविगेशन के लिए अलग अलग नेविगेशनल इक्विपमेंट लगे होते हैं। जब सबमरीन वाटर के सरफेस पे होती है तो तब GPS की हेल्प से आसानी से इसका डायरेक्शन का पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा पानी के अंदर टारगेट को पहचानने के लिए सबमरीन में सोनार यानी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। सोनार साउंड वेव प्रोड्यूस करता है, ये साउंड वेव जो पानी में ट्रेवल करती है। इन साउंड वेव की हेल्प से पनडुब्बी के अंदर रहने वाले क्रू आसानी से अपने ऑब्जेक्ट का पता लगाते हैं। ऑब्जेक्ट्स मतलब समुद्र में चलने वाले जहाज या अदर पनडुब्बी जो उनके विपरीत डायरेक्शन में चलती है, उनका पता सोनार के द्वारा ही किया जाता है। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप देख रहे थे इन्फॉर्मेशन 360।